सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 4 के बारे में, जो कि चाइना के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इंडिया के अंदर भी हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ओप्पो रेनो 4 जो कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ओप्पो की रेनो सीरीज जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इस सीरीज में हम लोगों को दो डिवाइस देखने को मिलेगा, ओप्पो रेनो 4 और इसका प्रो वेरिएंट। जो प्रो वेरिएंट होगा उसमें हम लोगों को डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और रेनो 4 में हम लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइस 5G टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट यूज होने वाला है, जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 4 के फुल स्पेक्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में और इंडिया रिलीज डेट के बारे में। स्टार्ट करते हैं फीचर और डिटेल स्पेक्स से। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.5 इंच की डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, और फुल HD प्लस का रेजुलेशन मिलने वाला है, और डिस्प्ले के अंदर सुपर एमोलेड का पैनल और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले के अंदर ही हम लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो यार रियली में इस फोन के अंदर हम लोगों को डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये चिपसेट स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, और गेमिंग यूजर्स के लिए बेस्ट चिपसेट है। तो अगर आप लोग गेमिंग करना पसंद करते हो तो आप इस फोन के अंदर गेमिंग बहुत ही अच्छा कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स में और विदाउट लैगिंग आप इस फोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो। चिपसेट 2.4 GHz पर क्लॉक है। क्लॉक स्पीड भी हम लोगों को इस फोन के अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। LPDDR4X रैम और UFS 3.0 स्टोरेज का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो 8GB 120, 8GB 8GB 256 GB। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। फ्रंट सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो जो प्रो वेरिएंट होगा उसमें हम लोगों को डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट होगा, और रेनो 4 में हम लोगों को सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा जो 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो यार रियली में ओप्पो की रेनो सीरीज कैमरा सेंट्रिक डिवाइस मानी जाती है, जो कि इस फोन में भी हम लोगों को कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो 4000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो यार रियली में बैटरी भी इस फोन के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल मिल रही है, ऐसे डेली यूजर्स के लिए बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो ओप्पो रेनो 4 का एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया के अंदर 35 से 40 हज़ार रुपये के रेंज में देखने को मिलेगा। इस फोन का प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिल सकता है, बट ओप्पो जो स्पेक्स ऑफर कर रहा है उस प्राइस पॉइंट पर हम लोगों को बेटर स्पेक्स देखने को मिल रहा है। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो ओप्पो रेनो 4 का एक्सपेक्टेड रिलीज डेट इंडिया के अंदर जुलाई के फर्स्ट वीक तक या फिर जुलाई के सेकंड वीक तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो गाइस यार आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोग इस फोन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।